हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ रॉकेट रकून एंड बेबी ग्रूट का ड्राइंग फ्रॉम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा फीवर कैसल पॉलीक्रोमस कलर पेंसिल्स का एंड यूजिंग आइवरी पेपर। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं शुरू में बिल्कुल लाइट प्रेशर का यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। अभी इस ड्राइंग के लिए मैं ओनली 6 कलर का यूज़ कर रहा हूँ। ये 6 कलर्स है: डीप रेड, पर्शियन ब्लू, कैडमियम येलो, बंसियाना ब्लैक एंड वाइट। बाय द वे, आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 देखी क्या? कमेंट में ज़रूर बताना। पिछला वाला जो वीडियो था उसमें भी मैंने 6 कलर का ही यूज़ किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसको देखने के बाद वो वीडियो आप देख लेना मेरे चैनल पे जाके। जब भी आप कोई एनिमल या फिर इंसान का हेयर बनाए तो हेयर के फ्लो के अकॉर्डिंग आपको शेडिंग करना है, फ्लो के अकॉर्डिंग आपको पेंसिल स्ट्रोक का यूज़ करना है। फ्लो के ऑपोजिट आपको शेडिंग नहीं करना है, वो फिर बेकार लगेगा। आपको फ्लो के अकॉर्डिंग ही आपको शेडिंग करते जाना है। और यहाँ मैं हैचिंग लाइन्स का यूज़ कर रहा हूँ। और शेडिंग एंड कलरिंग करते टाइम लाइट प्रेशर का यूज़ करना है आपको। जहाँ पे ज़्यादा डार्क हो वहीं पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर यूज़ करो, अदरवाइज़ यूज़ लाइट प्रेशर। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कमेंट ज़रूर करना, इट विल हेल्प द यूट्यूब एल्गोरिदम। तो दोस्तों, आप जब भी कोई ड्राइंग बनाए आपको लेयर बाय लेयर शेडिंग या कलरिंग करना है। एक लेयर में ड्राइंग कंप्लीट नहीं होता है। बिगिनर आर्टिस्ट अक्सर एक लेयर में ड्राइंग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके ड्राइंग में वो डेप्थ नहीं आता है।
तो आपको एक लेयर में ड्राइंग नहीं कंप्लीट करना है, आपको लेयर बाय लेयर शेडिंग करना है या कलरिंग करना है।